गाय को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। पथराव में दोनों पक्षों से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। दो जिला अस्पताल रेफर। मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल। बोहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मचा खुर्द बंजारा बस्ती में गाय को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। झगड़े की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को कंट्रोल किया। झगड़े में दोनों पक्षों से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से गंभीर रूप से घायल दो लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि गांव को लेकर विवाद हुआ, जहां एक पक्ष खेत में गाय घुसने की बात कर रहा था, वहीं दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष पर गाय को काटने का गंभीर आरोप लगाया। सिंह तो आप लोगों की जो लड़ाई हो रही है अभी, जी किस चक्कर में हो रही है सर? वो बात तो रहना, वो जबरदस्ती मारने के लिए आया था, अभी मैं थाने गया। अब हमने पूछी उनसे, मैंने कि थाने भी गए थे हम, हमने दीवान जी को फोन भी लगाया, मैंने कि दीवान जी साहब हमारे पास पुलिस है भेज दो, और ये लोग ट्रैक्टर भर के नए गांव से हमको मारने के लिए आए। तो दीवान जी ने बोला कि आप एक काम करिए, घर छोड़ के उधर निकल जाइए। तो हमारे घर से छोड़ के हम 1 किलोमीटर इधर आके छुपे हमारे बुआ जी के घर पे, तो हमें ट्रैक्टर भर के मॉडल स्कूल के सामने तलैया में होके घेर के हमें मारा। एक आदमी का हमारा खोपड़ा भी फट गया और 2 लट मेरे भी मार दे, और कल मेरा भी ये खोपड़ा फट गया। और हमने समझाने के लिए बोले मम्मी, और थाने में गई मम्मी, थाने में गई तो मम्मी को बोला पुलिस वालों ने कि आप जाओ, हम अभी मर जाएंगे जब पुलिस आ जाएगी। तो पुलिस लोग आए थे, 2 लोग कम थे, फिर ये चर्च मर्च की पूरी पुलिस इकट्ठी होगी, दोबारा आइए, हमारे पास आदमी कम है, वो 30-40 आदमी है। कौन घायल हुआ आप में से? अमन में से घायल, कौन नाम अमन? अतर सिंह वो हुआ है, और मेरे में लगी सर 2 लटी है। और ये नंदा भाई, तो ये लड़ाई हो रही है यहाँ पे, किस लिए हो गई? ये हो रही कि हमारी गैया कटाने को ले जा रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं हमारी गैया कटाने को, टांगे बांध के। कौन ले जा रहा था? कौन ले जा रहा था? उदय साई, मुकेश और रमेश और वो देवा और जगदीश। कहाँ के लोग हैं ये? जे जहाँ के, जो बड़ी पुल की, बड़े पुल की। अच्छा, ये कटवाते ट्रक भर भर के, और ये बाहर पहुँचाते माल। हाँ हाँ, और अब हमारे आदमी आया छुड़ाने को, गैया मेरी तो क्या कहते कुलाड़ी और गंडासी लेके तलवार लेके मेरे आदमी को यहीं मार दिया। मेरा आदमी हॉस्पिटल में भर्ती, अभी तो कोई होश नहीं है, सुपरी रेफर कर दिया, कोई होश नहीं। मेरा आदमी को बाल्टी देखो, तुम खून की रख लिया, बाल्टी खून की देखो, बाल्टी भरो तुम खून की देखो तुम। हमारा बहुत तत्व हो रही है, कल का बेटा लड़ने को काजे, बहुत तत्व हो रही है। हम तो गऊ कटवाएंगे, क्या करेगा, क्या करेंगे, कौन सी पुलिस हाथ लगाएगी, कौन सी क्या करेगी, हम तो गऊ कटवाएंगे क्या करेंगे। रोज का रोज ट्रक भरते और गऊ कटती है, कसवा थाने जाती है, कसवा थाने से आगे जाती है, मरगट्टा में भरते रोज के चौपे। मेरा नाम जगदीश है सर। तो जी घटना आप आज विवाद हुआ है, किस चक्कर में हो गया? गैया के चक्कर में हुआ सर। कैसा क्या कुछ मामला? गैया हमारे खेत में चली गई थी, छोटा भाई लाया आके उसको, उसको छोटा भाई आके ला के पकड़ रहा था वो गैया को। गैया पकड़ने के बाद में उसने हमसे ना गलत बोला ना हम उसके गलत बोला, उसको दुकान के आगे से कुल्हाड़ी और लट्ट लेके सीधे हमारे छोटे भैया पे हमला कर दिया। किसने किया हमला? बहादुर ने हमला किया है। उसके बाद में ये छोटा भाई गया, फोन लगा, इसको बुलवाया, इसमें कुल्हाड़ी दे दी, इसमें कुल्हाड़ी दे दी। मैं गया तो मुझ में दिया 70, मेरी एक सोने की बाली भी है 85 ग्राम की, वो सोने की बाली भी गिर गई, वो ये 70 देखो सर ये लग रहा है। और उस एक में 25-30 लोग जुड़ गए नए गांव के, और हमने घर पे खेल लिया है, घर पे खेल लिया है, बर्तन फूट रहे हैं। आप जाके बेकायदा देख सकते हो, आप बेकायदा जाके देख सकते हो, कूलर मटका पानी का बर्तन मर्तन सब आप जाके बेकायदा देख सकते हो, पूरा घर फूट कर दिया हमारा है। उसके बाद में भी तो अभी पंचर गई कि तुम भाई साहब बैठ जाओ, हम बैठ भी गए। तो उसके बाद में भी तो अभी आए ट्रैक्टर भर के, सुबह ट्रैक्टर भर के आने के बाद मॉडल के आगे ट्रैक्टर खड़ा रहे आए, ट्रैक्टर खड़े होने के बाद हम इधर बैठे, हमारा भैया का लड़का एक पेशाब करने निकला है, यहाँ पेशाब करने में उसमें ऐसे 30-40 आदमी भग के, वो ऐसे उनने आगे लट